ईजी सिंपल आई मेकअप के लिए आप सबसे पहले एक ऐसा शेड लेंगे जो आपकी स्किन के साथ मैच करता होगा इसको आपने अपनी पूरी आईलेट पे अप्लाई कर लेना है मैं म्यूसिन का आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ देन आप एक डार्कर शेड लें ब्राउन शेड इसको आपने अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करना है अच्छे से ब्लैंडिंग करनी है ब्लैंडिंग के ऊपर आपने ध्यान देना है ओके इससे आपकी आईज जो बड़ी बड़ी लिफ्टेड और uh, क्या उसे कहते हैं खुली खुली नजर आती है देन आप एक शिमरी शेड लें कोई भी शेड ले सकते हैं जो आपके ड्रेस के साथ मैच कराए या जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो शिमरी शेड है इसको आपने अपनी फिंगर टिप की हेल्प से अप्लाई करना है फिंगर से ये जितना अच्छा पॉप अप होता है और जितनी अच्छी इसकी ब्लेंडिंग होती है वो ब्रश की हेल्प से नहीं होती तो आपने इस तरह से एक ब्लेंड सॉरी शेड ले लेना है और इसकी आपने अच्छी 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 ब्लैंडिंग करनी है देन सेम शेड जो आपने अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई किया इसको आपने अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करना है मैं यहाँ पे मेरून शेड ले रही हूँ आप कोई भी शेड ब्लैक ले सकते हैं कोई भी आप ले सकते हैं आप उस शेड को लो और अपनी आउटर वी पे अच्छे से डिपॉजिट करो तो इसको अच्छे से ब्लेंड करो ठीक है देन मैं यहां पे सेम पैलेट में से पर्पल शेड लेके इसे अपना आईलाइनर लगा रही हूं आप ब्लैक लगा लो ब्राउन लगा लो जो आपका दिल चाहता है आजकल तो वैसे ही कलरफुल आई जो है वो चल रहे हैं और इसको मैंने अपनी हाफ लैश लाइन पर लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई किया देन मैं अपनी टीयर डग यानी कि जो इनर कॉर्नर है यहां पर एक व्हाइट कलर का शिमरी शेड है इसको अप्लाई करी हूँ और आपने जस्ट इस जगह पे ब्रॉबॉर्न की सिर्फ मिड में आप इसी को अप्लाई करो तो आपकी ब्रॉबॉन लिफ्टेड नजर आती है ओके ओ टू ओ का हाइलाइटर है यार ये बहुत ज़बरदस्त हाइलाइटर है अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊँगी ये बहुत प्यारा हाईलाइटर है ओके okay? अपनी तरफ से तो मैंने मेकअप फुल कर लिया था डन हो गया था लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो मस्कारा अप्लाई नहीं किया ओके okay, फिर मैंने यहाँ पर मस्कारा अप्लाई किया और आई मैंने इसलिए नहीं लगाई यार क्योंकि मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ये आपका सिंपल सा मेकअप लुक है जो बहुत ज़बरदस्त है आप इसको किसी भी शादी पे जाते हुए कर सकते हो किसी पार्टी में कर सकते हो